एजेंट होगा सरकार का, उसको बोला गया है कि जाओ जहां तुम्हें हरा झंडा दिखे उसको तोड़ो, हाईलाइट लो और दिखाओ कि देखो हमने मुसलमान को कैसे डरा के रखा है, कैसे हमने ये सब किया है। आपको भगवान लहराना है, केसरी लहराना है, हरा लहराना है, नीला लहराना है, आपकी स्वतंत्रता है, आप आज़ाद हैं। अगर मैं किसी का झंडा उठा के ये दिखाऊँ कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और तुम्हारे घर पर भी मेरे धर्म का झंडा हो, दैट इज़ हेट्रेड, ये हेट क्राइम है। तो इसका तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना। और मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, भाई बंद कर दो टीवी। आप मेरे घर पर आएंगे वहाँ टीवी नहीं, आप टीवी का बहुत बड़ा रोल रहता है। यस यस, जिसे एक टेररिस्ट आपके बेड पे बेडरूम में आके बैठा है, जो आपको पूरे दिन अराजकता, नफरत की बातें, डर का माहौल आपके अंदर ले आएगा और आप डर जाओगे एंड आप इतनी झूठ बोलोगे, इतना झूठ बोलोगे कि आप मजबूर कर दोगे लोगों को मानने पे कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। सो ये चीज को आपको देखने की जरूरत है। आप लोग तो वो जो जंग के मैदान में खड़े हो, रूबी का लकायत की तरह नहीं, वो जो वहां पे फर्जी लड़ाइयां वो अपने आपको दिखाती है कि वो फर्जी काम कर रही है। नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ नलिनी। बहराइच में हुआ उसकी घटना का प्रसारण देश भर में हो रहा है और कई तरीके के एजेंडे और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी पूरे मुद्दे पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रितु सिंह मौजूद हैं। किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हर विषय पर परिपक्व होकर अपनी आवाज़ उठाती रही हैं। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये वही जंतर मंतर है जहाँ से हर बड़े मुद्दे पर जो है आवाज़ उठाई जाती है। इस पूरी हिंसा के मामले से आप रूबरू हैं, आपको अच्छे से पता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, सबको जग जाहिर है कि जिस तरीके का हेट और इस तरीके के हेट क्राइम्स जो हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है, और उपचुनाव आते हैं या चुनाव आते हैं तभी ऐसी दहशत की राजनीति, धर्मों की राजनीति, लोगों को मारने की, जलाने की राजनीति, घरों पे उनकी प्राइवेसी में घुस के उनके धार्मिक विवादों या झंडे को उतारना, ये सारी चीज़ें, इट इज़ ऑल फॉर मी इज़ अ वेल प्लान स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी के तहत ही ऐसा होता है क्योंकि प्रोपोगंडा चाहिए भैया, ये दिखाना है कि हम खतरे में, हमारी सरकार है। हम अगर विपक्ष आवाज़ उठाता है, अगर युवा आके रोजगार के लिए प्रदर्शन करते हैं, बेरोजगारी पे आवाज़ उठाई जाती है, महिलाएं अभी आपने देखा रेप से पीड़ित महिलाएं अगर बोलते हैं तो उनको डंडे मारे जाते हैं, उनको डिटेन किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, ऐसा होता है। लेकिन जब उग्र का माहौल बनाना है, जब इस तरीके का पॉलिटिक्स करनी है कि जहाँ पता है कि वोट चाहिए और अपने आपको पीड़ित दिखाना है, तब ये बेचारे दुपक्के एकदम से मिनोरिटी बन जाते हैं। तब इनको लगता है कि भैया अब हमें एम्पथी चाहिए, अब हमें लोगों का वो सिंपथेटिक एस्पेक्ट चाहिए जिससे हमें वोट मिले। कि इस सरकार की राजनीति डिवाइड एंड रूल प्लस डाइवर्ट, नाउ यू ऑल आर डाइवर्टेड, यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट बहराइच, बहराइच यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट कि हिंदू खतरे में, यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट कि भैया अब क्या होगा, अब वहाँ पर पुलिस जा रही है, वहाँ पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पर दीज पीपल आर गिविंग सो एंड सो बयान, तो सबका ध्यान चला गया ना। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल मुद्दाज इन आर कंट्री, दैट अगर हरियाणा में इतना ज़्यादा किसान इनके अगेंस्ट था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पंजाब का किसान पूरा पूरा इनके अगेंस्ट था, पंजाब में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि यार कैसे बीजेपी दोबारा से पार में आ गई। सो लोगों की ना मेमोरी भी बहुत शॉर्ट स्पैन हो गया मेमोरी का भी, वो कैसे कि आपको अभी भी चुनाव जीते, अब आप चुनाव चुनाव के बारे में छाती पीटेंगे, ये हुआ तो आपको मुद्दे से भटका दिया ना। अब नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हरियाणा इलेक्शंस विन, हाउ बीजेपी केम इनटू पावर इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बहराइच, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दी हिज वाइफ इज सीकिंग जस्टिस, कहाँ कोई बात कर रहा है असली मुद्दों की। आई अंडरस्टैंड जिसके परिवार का जाता है, दैट पर्सन वॉज इनोसेंट, जिसकी डेथ हो गई, जो चले गए, वी हैव फुल सिंपथीज, आर हार्ट गोज आउट फॉर हिम। बट अगर हम ये कहें, आए दिन बच्चे मर रहे हैं यार, आए दिन अभी तक जो निर्भया का जो अभी हाथरस का कांड हुआ, उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, तीन के तीन आरोपी बाहर आ गए। सो मेरा घर जल रहा है, मेरा देश जल रहा है, देर इज अ लार्जर परस्पेक्टिव अगर मैं देख के चलूँ कि हमारी पार्टी जिनका जनाधार, जिनका ज़मीन पर इतना मजबूत पैर है, उनकी रैलीज में देखो उनके लोग, उनके समर्थक, उनका कैडर, एंड दैट कैडर इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड टू द वोट्स। अगर हम असली मुद्दों पे बात करेंगे तो मैं इस नैरेटिव में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेन मीडिया दिखा रहा है वही सोशल मीडिया दिखाए। आई वॉन्ट टू कट इट हेयर, आई वॉन्ट टू टेल आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कि प्लीज़ इनके पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे मत खेलिए। इनका पॉपुलर प्रोपेगेंडा जो इस समय मेन मीडिया इस 24/7 इज टॉकिंग अबाउट कि योगी जी ने ये कर दिया, योगी जी परिवार से मिलने गए, एंड यू नो ही इज प्रॉमिस्ड कि हम बदला लेंगे, हाँ उनके लोगों के घर जलाए जाना, सरकार का काम यही नहीं होता, सरकार का काम पीस को मेंटेन करना होता। अभी डॉक्टर रितु सिंह अभी ऐलान कर देना किसी धरने के लिए, डेफिनेटली हज़ारों के हिसाब से गिनती से लोग आएंगे, और वो जो लोग आएंगे
उतने लोग नहीं होंगे जितनी पुलिस फोर्स लगा दी जाएगी डिटेन करने के लिए. पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं थी? वाई द पुलिस फोर्स एंड वहाँ का प्रशासन वॉज कम्प्लीटली फेल टू प्रोटेक्ट द पीपल, उन लोगों को बचाने के लिए क्यों पीछे हट गए? इट इज़ अगेन कि मणिपुर में जैसे आपने स्पॉन्सर कर दिए थे उनको गोला बारू, दिस इज वॉट यू आर डूइंग. यू आर सपोर्टिंग अराजकता फैलाने वाले लोगों को, यू आर सपोर्टिंग हेट क्राइम, यू आर सपोर्टिंग कि एक रिलीजन को किस तरीके से धार्मिक विवाद करना, यू आर सपोर्टिंग इट, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट. तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ एंड आई डोंट थिंक सो फ्रॉम नाउ आई विल बी टॉकिंग ऑन दिस इशू. मुझे लार्जर वे में देख के पूरे भारत के लोगों की बात करनी है, मुझे भुखमरी पे बात करनी है, मुझे बेरोजगारी पे बात करनी है, मुझे शिक्षा पे बात करनी है, मुझे रिजर्वेशन पे बात करनी है, मुझे ये देखना है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स ख़त्म कैसे हो गए, मुझे ये देखना है कि मेरे सामने सामने सफाई कर्मचारी दो अभी सरोजनी नगर में मर गए, उसके अंदर घुस के जहाँ पे सांस की उनको बदबू से गैस आई, गैस निकली और वो बेचारे उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया. वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लडी विश गुरु, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया इज यू नो अ न्यू इंडिया, इट्स अ इट्स सम काइंड ऑफ थिंग दैट वी हैव अचीव अ माइलस्टोन कि हमारा विदेश में डंका बजता है. ब्लडी यू कैन नॉट कंट्रोल द पीपल, चाइना के जो लोग आके इंट्रूडर्स जो घुस रहे हैं एंड दे आर क्रिएटिंग देयर टेरिटरीज एंड बाउंड्रीज हमारे देश में आके, एंड यू आर प्रीचिंग अस दिस नॉनसेंस एंड बुलशिट बिकॉज मेन मीडिया आपने खरीदा हुआ, बिकॉज आपके लोग बिके हुए प्रवक्ता, वो लोग युवाओं को भड़का के उनकी बुद्धि पे जो ताला लगा हुआ है वो एक इस तरीके के नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं. सो हम तो उस तरीके के युवा नहीं है ना, हम लोग तो इस देश को बचाने वाले हैं यार. हमारा घर जल रहा है, हमारा घर बर्बाद हो रहा है. सो मैं आई विल ऑलवेज, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी नागरिक हूँ एंड आई विल ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक मुद्दास जो हमारी डिमांड है. मैं इधर उधर डाइवर्ट होने वाली नहीं हूँ. बार आपने मेन स्ट्रीम मीडिया का जिक्र किया, कम से कम 4 से 5 बार आपने मेन स्ट्रीम मीडिया कहा. मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर एक सवाल ले लेते हैं. लगातार जब से बहराइच की हिंसा सामने आई है उसके बाद से लगातार जो खबरें हैं वो चलाई जा रही हैं कि किस प्रकार से अराजकता के साथ साथ उस ब्राह्मण लड़के को मारा गया, उसके नाखून उखाड़े गए, उसकी आंखों में कील घोपी गई, इस तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है. वहीं डॉक्टर का जिसने पोस्टमार्टम किया और पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया, वो लड़का मरा है और उस हिंसा के दौरान ही मरा है, लेकिन इस तरीके से नहीं मरा है. दैट मैंने वही कह रही हूँ कि माई हार्ट गोज आउट फॉर हिम. कोई भी किसी का भी मृत्यु होना इस तरीके से दंगाइयों द्वारा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड 100% दंगाई भी भाजपा के होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ. आरएसएस के साथ उनका ताल्लुक होगा क्योंकि ये लोग माहिर हैं ये काम करने में. बाकी जो अम्बेडकरवादी हैं, बाकी जो लोग हैं वो प्यार से जीना चाहते हैं, वो ये सब नहीं करना चाहते. कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि मेन मीडिया सेटिंग दिस नैरेटिव डेलिबरेटली, क्योंकि उनको पता है कि यू रिपीट द लाई 100 times अल्टीमेटली जब वो आपको सच लगने लगे, जैसे ही आपको लगे कि हमने झूठ को 100 बारी दोहरा दिया तो सबको लगने लगेगा यार ये सच ही बोल रहा है, तो इतनी बारी झूठ को दोहराओ. सो इट इज़ नथिंग न्यू ना फॉर दिस गवर्नमेंट, क्यों वो तो मोदी को भगवान बना रहे हैं. वो लोग जो मूर्ख जब ट्रंप हमारे देश में है उसकी पूजा कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ टेम्परामेंट पीपल, ये तो यही बकवास करेंगे यही बोलेंगे. तो अब मेन मीडिया जो बोल रहा है वो 100% झूठ बोल रहा है. मेन मीडिया आपको जो दिखा रहा है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको चेक करें. व्हाट्सएप ज्ञान पे मत जाएं. और ये एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते इस देश के, मैं आप सबकी जनता लाइव की ऑडियंस को जो भी यहाँ से देख रहे हैं, मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, भाई बंद कर दो टीवी. आप मेरे घर पे आएंगे वहाँ टीवी नहीं, आप टीवी का बहुत बड़ा जाएंगे. यस यस यस, टीवी इज अ कंप्लीट टेरर. एक ऐसा है कि जिसे एक टेररिस्ट आपके बेड पे बेडरूम में आके बैठा है, जो आपको पूरे दिन अराजकता नफरत की बातें डर का माहौल आपके अंदर ले आएगा और आप डर जाओगे एंड आप इतनी झूठ बोलोगे, इतना झूठ बोलोगे कि आप मजबूर कर दोगे लोगों को मानने पे कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है. सो ये चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है. आप सोशल मीडिया से उन पत्रकारों से अपना ज्ञान नॉलेज लीजिए जो ज़मीन पे जिस तरीके से जंतर मंतर पे क्या हो रहा है आप यहाँ आके सच दिखा रहे हो. यही मेरे लिए तो सोशल मीडिया इज़ द रियल मीडिया, जो बहरहाल अभी जिस तरीके से ईमानदारी से लड़ाई लड़के, आप लोग तो वो जो जंग के मैदान में खड़े हो रूबी का लकायत की तरह नहीं, वो जो वहाँ पे फर्जी लड़ाइयाँ वो अपने आप को दिखाती है कि वो फर्जी काम कर रही है, आप लोग असली हो दैट यू आर लिटरली कवरिंग, कि जिसमें कोई पता नहीं कि कब उठा के ये लोग जेल में डाल दें क्योंकि सच दिखा रहे हो, क्योंकि मोदी मोदी नहीं कर रहे. ऋतु जी, सवाल इस बात को लेकर भी हो रहा है कि एक लड़का दुर्गा विसर्जन जैसी यात्रा शालीनता से निकलनी चाहिए, पहले से ही रूट निर्धारित होता है, लेकिन इस दौरान एक हिंदू लड़का जो है एक मुसलमान के घर पर चढ़ता है, बाकायदा हरे झंडे को फाड़ता है और उसके बाद भगवा झंडा लहराता है, रेलिंग तोड़ देता है और नारेबाजी की जाती है, कितना सही है ये, क्या करने की कोशिश की जा रही है? भाई अब तो ये तो सरकार को ही सोचना चाहिए. वो एजेंट होगा सरकार का, उसको बोला गया कि जाओ जहां तुम्हें हरा झंडा दिखे उसको तोड़ो, हाईलाइट लो और दिखाओ कि देखो हमने मुसलमान को कैसे डरा के रखा है, कैसे हमने ये सब किया है. तो मैं यही कहती हूँ ना,
ये है, इसे कहते हैं आतंकी हरकत, इसे कहते हैं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम, इसे कहते हैं उग्र का माहौल फैलाना, क्योंकि आपका संविधान आपको इजाज़त देता है रिलीजियस फ्रीडम की। आपको भगवा लहराना है, केसरी लहराना है, हरा लहराना है, नीला लहराना है, आपकी स्वतंत्रता है, आप आज़ाद हैं। अगर मैं किसी का झंडा उठा के ये दिखाऊं कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और तुम्हारे घर पे भी मेरे धर्म का झंडा हो, दैट इज़ हेट्रेड, ये हेट क्राइम है। तो इसका तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना, और ऐसे ही हुआ होगा। सरकार ने ही ये किया, सरकार ने ही भेजा, एंड इट इज़ वेल प्लान स्ट्रैटेजी ऑफ RSS एंड BJP, एंड ये सब सोची समझी साजिश। एक तरफ जहां बाराबंकी में ये सब चल रहा था, वैसी ही खबर जो है, माफी चाहूंगी, जहां बहराइच में ये चल रहा था, वैसी खबर बाराबंकी से सामने आई, जहां मस्जिद के सामने से जब ये यात्रा गुजर रही थी, दुर्गा विसर्जन की यात्रा, क्योंकि देश भर में गुजर रही थी, तो मस्जिद के ऊपर गुलाल फेंका जाता है, और इसके बाद जो है साथ ही साथ गुलाल फेंकने के बाद गंदे गंदे गाने बजाए जाते हैं। गंदे गंदे का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अश्लील गाने, सवाल उसी को लेकर है कि एक धार्मिक यात्रा जब गुजरती है तो धार्मिक गाने बजने चाहिए, तो फिर आपत्तिजनक गाने, उत्तेजित करने वाले, लोगों को भड़काने वाले गाने क्यों, कितना सही है इस प्रकार के गानों का? योगी सरकार या मोदी सरकार या जो भी ये लोग हैं, इन्होंने इंटरवीन किया, ये गए, इन्होंने देखा कि वो इस तरीके के गंदे गाने बजाने वाले लोग कौन थे, धार्मिक माहौल को बर्बाद करने वाले लोग कौन थे, इन्होंने वहाँ कार्रवाई करी, उसको मेन मीडिया ने कितना पॉपुलर किया, कितना दिखाया उस चीज़ को मेन मीडिया ने, नहीं ना, जब एक बार ही दिखा के भी फिर साइलेंट हो गए होंगे। सो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, यही चीज़ है कि जहाँ उनका एजेंडा फुलफिल होता है, सेट होता है, वो वहाँ उसका प्रचार करेंगे ना, उनको दिखाना ये है कि भैया हिंदू मुस्लिम को तोड़ना है। मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, लगातार यही दिखाया जा रहा है, मुसलमानों की तरफ से पहल की गई। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, यही दिखाया जाएगा कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी, मुसलमान तो आतंकवादी है, दलित आदिवासी तो जाहिदी है, यही दिखाना उनको। और मुझे लगता नहीं इसमें कोई बड़ी बात है, मैं पहले सारी बातें कह चुकी हूँ, और जिम्मेदारी जनता की है, जनता को लड़ने का तरीका ढूंढना है, जनता को इनको झूठ की, जो ये झूठ बोलता है ना, उसकी चोट देनी है, और लड़ने का एक ही तरीका है, सड़क, आप सड़क पर आओ, असली मुद्दों के साथ जुड़ो, और मुझे लगता है चीज़ें बदल जाएगी सब।